हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शांति गुल ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज धनतेरस है तो हम थोड़ा सामान लेने जा रहे हैं बाहर मार्केट। हमारे यहाँ मार्केट लगती है तो देखते हैं क्या लेके आते हैं धनतेरस में। वैसे बर्तन खरीदते हैं, गोल्ड ज्वेलरी भी खरीदते हैं और देखते हैं क्या लेके आते हैं बाहर जाके। कुछ तो सामान लाएंगे थोड़ा बहुत। चलिए फिर हम मार्केट जा रहे हैं, थोड़े देखते हैं सामान लेके आते हैं। देखिए मेरी बेटी आप लोगों को हाई कर रही है। देखिए फ्रेंड कितनी बढ़िया मार्केट लगी यहाँ पर। देखिए जो कितने सुंदर सुंदर सजावट का सामान है। देखिए ये देखिए बहुत अच्छे रेट में देते हैं लोग। घर का कुछ भी ले लो। देखो ये लटकन वगैरह सब हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं। देखिए रेट भी इनके बहुत अच्छे होते हैं। ये देखिए बैठे हुए दुकानदार भैया, हाय कर दो। देखो आप लोगों का हाय कर रहे हैं। देखो आप लोग यहीं पे आके लीजिए सामान, जो लेना होगा आपको घर का सजावट का। देखिए हमने यहाँ से लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति ली है। इसके पास बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थी, हमें बहुत पसंद आई थी इसकी मूर्तियाँ। अब जिससे मैंने मूर्ति ली वो लड़का हमारी मूर्तियों को पैक कर रहा है कि हमने यहीं से लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति ली थी। अगल बगल में सबके यहाँ मूर्तियाँ बहुत अच्छी अच्छी थी, मुझे इसकी दुकान की मूर्ति बहुत पसंद आई थी। यहाँ से हमने गेट में लगाने के लिए गुलाब, देखिए कितने अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर सजावट के। देखो गेट में लगाने की भी देखो कितने अच्छे कपड़े में, ये कपड़े में जो दिया आपको ज्यादा हमने भी यही से ज्यादा है ज्यादा। और देखो मालाएं भी हैं, देखो कितनी प्यारी प्यारी मालाएं। अब हम मार्केट से घर आ चुके हैं और थक भी गए हैं बहुत ज़्यादा। भीड़ इतनी थी बहुत ज़्यादा और सामान भी बहुत महंगा महंगा सामान दे रहे हैं। डेकोरेशन का सामान इतना महंगा दे रहे हैं कुछ पूछो नहीं। लक्ष्मी गणेश जी तो सबसे ज़्यादा महंगे दे रहे हैं, डबल डबल रेट में। हम लक्ष्मी गणेश जी लेके आए हैं और खीर पतासे वगैरह सब सामान लेके आए हैं। अब आपको क्या दिखाएं, सामान लगाएंगे तो जब लगा हुआ दिख ही जाएगा आपको। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। आज मैं आपको चाइनीज स्टाइल से आलू शिमला मिर्च की सब्जी की रेसिपी बताती हूँ। चलिए फिर सामान क्या क्या डलता है बताती हूँ मैं आपको। हमने आधा किलो आलू लिए हैं जो पतले काटे हुए हैं। शिमला मिर्च लिए हमने 250 ग्राम शिमला मिर्च लिए जो हमने छोटे छोटे पीस काट रखे हैं। टमाटर हमने दो बड़े टमाटर हमने मोटे मोटे काटे हुए हैं। दो बड़ी प्याज हमने वो भी ज्यादा बारीक नहीं मोटे ही काटी है। नमक, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, लहसुन का पेस्ट, चिल्ली सॉस, सिरका, अजीनोमोटो और सोया सॉस, गाइनिस के लिए हरा धनिया बारीक कटा हुआ। चलिए फिर मैं आपको आलू फ्राई करके दिखाती हूँ। पहले पैन में हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम आलू डालते हैं। आलू को हमें हल्के ज्यादा नहीं हल्के हल्के फ्राई करने हैं क्योंकि फ्राई करके अच्छे खाने में टेस्ट लगता है और पक भी जल्दी जाते हैं, नहीं तो पकने में टाइम लगता है। लेते हैं।
ऐसे ही हमें शिमला मिर्च भी फ्राई करनी है। हमने ज्यादा ब्राउन नहीं करे हैं, हल्के हल्के लाल किए हैं, देखो ज्यादा नहीं करना है इसको, क्योंकि अब वैसे ही पक जाते हैं ये। आलू हमने निकाल लिए हैं, अब हम शिमला मिर्च डालते हैं। शिमला मिर्च भी हमें हल्की हल्की फ्राई करनी है। शिमला मिर्च हमारी फ्राई हो चुकी है, अब इसे हम निकालते हैं। हमने शिमला मिर्च निकाल दी है सारी। अब कढ़ाई में हमने तेल चढ़ा दिया था, तेल भी गर्म हो चुका है। अब हम प्याज डालते हैं। प्याज को हमें हल्का हल्का भूनना है। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, अब टमाटर डालते हैं। टमाटर में हमें अच्छे से मिक्स करना है प्याज में। अब लहसुन का पेस्ट डालते हैं। नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गैस हमें कम करना है। अब इसमें हम डालते हैं चिल्ली सॉस। थोड़ा सा सोया सॉस, सिरका थोड़ा सा। अब मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हमें टमाटर को पकाने हैं अच्छे से। मसाला हमारा भुन चुका है, टमाटर भी हमारे गल चुके हैं। अब इसमें हम आलू डालते हैं। और शिमला मिर्च भी साथ में डालते हैं। अब इसको मसाले में मिक्स करना है अच्छे से। मसाले मिक्स हो चुकी है सब्जी, आलू और शिमला मिर्च। अब हमें गैस कम करके इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के भाप में पकाना है। अब 5 मिनट हो चुके हैं, सब्जी को ढक्कन करके देख लेते हैं। देखिए सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है, सब्जी हमारी पक चुकी है। देखिए शिमला मिर्च भी आराम से ये देखिए कट रही है, और आलू भी हमारे आराम से देखो पक चुके हैं। देखिए ये देखिए कितने गल चुके हैं आलू। अब इसमें हमें थोड़ा सा अजीनोमोटो डालना है, जो अजीनोमोटो ये पाउडर सा होता है, ये थोड़ा सा हमें डालना है ऊपर से स्वाद के लिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सब्जी में। अब हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है, इसमें गैस बंद कर देते हैं और इसमें हरा धनिया डालते हैं। देखिए सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है।
देखिए दोस्तों हमारी चाइनीज तरीके की आलू और शिमला मिर्च की सब्जी देखिए तैयार हो चुकी है। कैसी बनी है देखिए, आप भी घर पे ट्राई करके देखिए, क्योंकि बहुत से लोग आलू और शिमला मिर्च की सब्जी नहीं खाते, शिमला मिर्च बहुत कम पसंद करते हैं। आप इस तरह से बनाओगे जैसे मैंने बनाई है तो हर कोई खाएगा, बड़े भी खाएंगे बच्चे भी खाएंगे, बहुत पसंद आएगी सब्जी उनको ये। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय दोस्तों।